उत्तर प्रो कबड्डी के सब खिलाड़ी, चाहे विक्रांत की बात हो, चाहे हितेश की बात हो, नितिन की बात हो, अयान ढिल्लू की बात हो, भाई दर्शक साथियों बहुत मजा आएगा आपको मैच देखे। और भाई चला पहली रेड पर दर्शक साथियों साई है की तरफ से, भाई भाई 8 नंबर जर्सी का खिलाड़ी अयान उर्फ ढिल्लू, गांव बुफड़िया जिला झज्जर, बिल्कुल बुफड़िया एक्सप्रेस के नाम से इस खिलाड़ी को जाना जाता है। बिल्कुल अपना काम कर गया भाई पहली रेड पर, 2 पॉइंट लेगा, ताली मारो भाई। बिल्कुल हिंदुस्तान का जूनियर स्तरीय सबसे बेहतरीन रेडर 8 नंबर जर्सी का खिलाड़ी। और लीजिए भाई साथियों, बिल्कुल साहिल रेड कर रहा था, साहिल को भी कैच लगा दिया हितेश, 12 नंबर जर्सी का खिलाड़ी, यूपी योद्धा के लिए प्रो कबड्डी खेल चुका है ये खिलाड़ी, 12 नंबर जर्सी का खिलाड़ी हितेश। अरे भाई विकास प्रवक्ता साहब आपका इंतजार हो रहा है, यहाँ जल्दी आइए, जल्दी 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 प्लीज प्लीज। और भाई अब रेड पर नितिन, प्रो कबड्डी का बहुत ही बेहतरीन रेडर नितिन इस समय रेड पर करता हो भाई, सामने 4 स्टॉपर तैयार पर तैयार। और लीजिए भाई नितिन बिल्कुल पॉइंट लेने में कामयाब रहा भाई दर्शक साथियों। और भाई अब रेड पर 2 नंबर जर्सी का खिलाड़ी राहुल नौलोथा, जिला पानीपत इस समय रेड पर भाई दर्शक साथियों, नौलोथा गांव बहुत ही अच्छा बड़ा खेल गांव है। और भाई साई हिंदुस्तान का जाना माना सेंटर है, 15 अंक मिला नौलोथा को, फिर रेड पर भाई अयान उर्फ ढिल्लू और सुपर टैकल ऑन भाई दर्शक साथियों, देखते हैं कौन किस पर प्रयास करेगा। सुपर टैकल ऑन लेकिन हिंदुस्तान का जूनियर स्तरीय बिल्कुल सुपर स्टार खिलाड़ी, बड़े बड़े मैचों का परिणाम यह खिलाड़ी बदल चुका है, साई को जूनियर में गोल्ड मेडल दिला चुका है यह खिलाड़ी, बिल्कुल स्पीड से रेड करता है अयान उर्फ ढिल्लू, बिल्कुल पॉइंट लेने में कामयाब रहा है दर्शक साथियों। जूनियर स्तरीय हिंदुस्तान के बेहतरीन रेडरों में इस खिलाड़ी का नाम है, झज्जर जिले के पुफड़िया गांव का यह खिलाड़ी है और साई सोनीपत में अभ्यास करता है। हरियाणा प्रदेश की तरफ से खेलो इंडिया टूर्नामेंट और साई की तरफ से जूनियर टूर्नामेंट का गोल्ड मेडलिस्ट है। बोनस टू रेडर नौलोथा की टीम को बोनस मिल चुका है नितिन इस समय रेड पर, देखते कौन प्रयास करेगा। सुपर टैकल ऑन नितिन प्रयास करता है भाई, दर्शक साथियों सुपर टैकल 2 पॉइंट नौलोथा जिला पानीपत। और भाई अब रेड पर सागर, 7 नंबर जर्सी का खिलाड़ी सागर, गांव नौलोथा जिला पानीपत की तरफ से रेड पर। और भाई बड़े अच्छी टीमें हैं दोनों ही, किसी भी टीम की हार जीत से आप अनुमान नहीं लगा सकते। और अब रेड पर मोनू, गांव पकसवा जिला रोहतक भाई, भाई जो खिलाड़ी जिस क्रम में आउट होता है उसी क्रम में इन होगा, सभी खिलाड़ियों को जानते हैं क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी इस मैच में खेल रहे हैं तो उनको सभी रूल रेगुलेशन पता है। और लीजिए भाई साथियों यह है सचिन, बिल्कुल हिंदुस्तान को जूनियर में गोल्ड मेडल इस खिलाड़ी ने दिलाया था और यहां पर पॉइंट दिला दिया साई की टीम को। सुपर टैकल ऑन, बिल्कुल नितिन प्रो कबड्डी का खिलाड़ी है तो सामने नवीन भी प्रो कबड्डी का है, ताली मारो दर्शक साथियों। यह है नवीन गांव नौलोथा जिला पानीपत, प्रयास प्रयास आप बिल्कुल झटके पे झटका झटके पे झटका, पॉइंट मिला नौलोथा पानीपत की टीम को और सुपर टैकल मिला भाई।
स्कोर की बात करें, साई और नौलत्था के बीच में मैच है, रेड पर है भाई साहिल नौलत्था इस समय रेड करता हुआ, साहिल गांव नौलत्था जिला पानीपत। और भाई हमारे बीच में कुश्ती के बहुत ही अच्छे ऑफिसियल जिन्होंने कुश्ती को बिल्कुल एक अच्छे ढंग से संपन्न कराया, जॉनसन कोच साहब गांव मुंडिया खेड़ा जिला महेंद्रगढ़ हमारे बीच में है, कोच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। छोटा भाई बड़े प्रतिभावान है और इस क्षेत्र में बिल्कुल अपनी अलग ही पहचान बना रखी है कुश्तियों में। और भाई सुपर टैकल ऑन अयान उर्फ ढिल्लू गांव बुफड़िया टीम के डिफेंस में रेड करता हुआ भाई साथियों, बहुत अच्छा मैच चल रहा है। फिर रेड पर चला भाई चार नंबर जर्सी का खिलाड़ी साहिल गांव नौलत्था जिला पानीपत। और लीजिए भाई गलती हुई हितेश से, हितेश कात्यान प्रो कबड्डी का खिलाड़ी है भाई साथियों, बिल्कुल इस बार गलती का शिकार हो गया और पॉइंट साहिल के खाते में आ गया भाई। हाँ रिव्यू ले सकते हैं, बस हाँ रिव्यू ले सकते हैं। छोटा भाई है भाई दीपक और पटना की टीम में प्रो कबड्डी खेलता है साथियों, बात पैसों की नहीं है, बात खेल की है। पैसों की बात होती तो भाई ये जो खिलाड़ी खेल रहे हैं ये वर्ल्ड कप खेल चुके हैं हिंदुस्तान के लिए साथियों, इन खिलाड़ियों को कई कई करोड़ रुपए से सरकारें नवाज चुकी है। बात पैसे की नहीं है भाई, बात है मान सम्मान की, बात है खिलाड़ियों की। यहाँ पर ये खिलाड़ी को इस वजह से नहीं आया कि भाई ऐसे तो बहुत टूर्नामेंट होते हैं, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ कि महेंद्रगढ़ जिले में ऐसे खिलाड़ी शायद ही किसी टूर्नामेंट में आए होंगे जो आपके इस टूर्नामेंट में आए। ये बाबा ठाडेसर महाराज की कृपा रही है। थर्ड रेड और भाई फिर रेड पर चला भाई साथियों, प्रो कबड्डी का सुपरस्टार खिलाड़ी, नेशनल का सुपरस्टार खिलाड़ी, खेलो इंडिया का सुपरस्टार खिलाड़ी, ताली मारो भाई साथियों, बिल्कुल कुर्बान कहानी करती है। चार पॉइंट पर ताली मारो भाई साथियों, ये था अनुपुर ढिल्लू साथियों। बड़े बड़े टूर्नामेंटों को अकेला खिलाड़ी जिताने की क्षमता रखता है और यहाँ पर भी बिल्कुल अपना खेल दिखाया, चार पॉइंट अर्जित कर लिए, लेकिन साहिल ने भी बदला उतार दिया भाई एक पॉइंट से, चार ना सही पर एक जरूर। अगली टीम है भाई भिवानी सोनू और भैंसवाल, भिवानी सोनू और भैंसवाल जल्दी आ जाए, ताली मारो, सुपर टैकल टू पॉइंट नौलत्था पानीपत है, बिल्कुल हाथ पकड़ के कैच बना दिया भाई दर्शक साथियों, सर्कल स्टाइल कबड्डी में ऐसी कैच लगती है, लेकिन नेशनल में लगा दिया भाई, ताली तो मारते एक बार नौलत्था टीम के इस खिलाड़ी के लिए भाई दर्शक साथियों। पांच के डिफेंस में सागर गांव नौलत्था जिला पानीपत इस समय रेड पर। अगले मैच की दोनों टीमें ग्राउंड नंबर दो पर आ जाए भाई, भैंसवाल वर्सेस भिवानी सोनू, भिवानी सोनू है, इसमें कमेटी का भी बड़ा अच्छा सहयोग रहा है, मास्टर जी की बात करें, रविंद्र भाई की बात करें, इनका भी बड़ा अच्छा सहयोग रहा है भाई, इन टीमों को यहाँ बुलाने में, इन टीमों से यहाँ संपर्क करने में। और फिर रेड पर भाई सागर गांव नौलत्था साथियों, नौलत्था गांव पानीपत से भी आगे पड़ता है भाई, बिल्कुल पानीपत शहर के साथ में ये गाँव पड़ता है नौलत्था, बहुत अच्छा गाँव है, एक तरफ रेलवे लाइन तो दूसरी तरफ स्टेट हाईवे निकलता है गांव के नजदीक से, बहुत ही अच्छा गांव है भाई। और मेरा भी सौभाग्य रहा कि एक टूर्नामेंट था इसी महीने में, उसमें वहां जाकर कमेंट्री करने का जो मौका मिला, डिसाइड रेड भाई साहिल नौलत्था डिसाइड रेड करता हुआ, ताली मारो भाई दर्शक साथियों, बिल्कुल डीप जाकर टच कर दिया है सचिन को, सचिन बड़ा अच्छा डिफेंडर है, सचिन को भी टच कर दिया भाई दर्शक साथियों, पॉइंट मिला नौलत्था की टीम को। स्कोर की बात करें, नौलत्था का स्कोर 14 और सोनीपत साई का स्कोर 11, थर्ड रेड नितिन थर्ड रेड करता हुआ भाई दर्शक साथियों, थर्ड रेड पर नितिन 30 सेकंड का समय और समय अपनी गति चलता है भाई दर्शक साथियों, समय किसी का गुलाम नहीं, चाहे भाई नितिन हो चाहे रविंदर और चाहे सोनू हो भाई, समय अपनी गति चलता है, समय नौलत्था के पक्ष में, पॉइंट नौलत्था के पक्ष में। हेलो
फिर रेड पर सागर सुपर टैकलों में तीन खिलाड़ी इस समय, चाहे विक्रांत की बात और चाहे हितेश की बात और चाहे मोनू की बात हो भाई साथियों, पलक झपकते ही कैच बनाने की क्षमता है इनमें। और भाई बिल्कुल देश और दुनिया में टूर्नामेंट को दिखा रहे हैं हमारे साथी 4x4 के। ओके भाई साहब कोई बात नहीं, हो गया यार, एक बात को बढ़ाने में लग रहे हो यार। अरे तो ये तो खेल रहे हैं यार, इनको खेलने तो आप कोच साहब देख लेंगे, कोई बात नहीं भाई। ये राहुल इस समय रेड पर बैकग्राउंड नौलखा जिला पानीपत का खिलाड़ी। देखिए खिलाड़ी जो होता है वो राष्ट्र की धरोहर होता है, मैं फिर एक बार समझा दूं, आप शायद उस चीज़ को समझने में अभी देरी कर रहे हैं। जो खिलाड़ी होता है वो राष्ट्र की धरोहर होता है, और जो खिलाड़ी हिंदुस्तान के लिए खेल लिया आप वो वैल्यू समझ सकते हैं, क्योंकि महेंद्रगढ़ जिले में भी काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हुए हैं, तो आप उस चीज़ को भी समझे। ये बच्चे रोज मैच खेलते हैं, कभी नौलखा की टीम में खेलते हैं, कभी साई की टीम में खेलते हैं, आपस में रोज मैच खेलते हैं, इनका यही काम है, दूसरा काम नहीं है इनके पास कोई भी, सिर्फ खेलना। मोनू इस समय रेड पर भाई, ये भी खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश की तरफ से जूनियर फेडरेशन कप खेल चुका है, थर्ड रेड साहिल नौलखा भाई थर्ड रेड करता हुआ, बड़ा अच्छा खिलाड़ी है भाई, हरियाणा प्रदेश के लिए खेल चुका है, इस समय लगातार प्रयास जारी। और भाई ये हाँ देखा जाएगा डिसीजन, देखा जाएगा। हाँ अरे ये कैच हो चुका है भाई साहब थोड़ा आगे झट जाओ यार, जो हमारे थर्ड एम्पायर है जो अनूप जी, आप उस साइड चले जाओ ताकि रिव्यू में कोई दिक्कत ना हो। और भाई स्कोर की बात करें, नौलखा का स्कोर है 15, साई का स्कोर है 13, साई का 13, नौलखा का 15, प्रयास जारी, आहट खुल चुकी है भाई। और भाई रेड आउट, पॉइंट मिला नौलखा की टीम को, 16-13 का स्कोर हो चुका है। अब रेड पर सागर नौलखा, अगला जो मैच है भैंसवाल वर्सेस सोनू भिवानी। को साहब मार्किंग करा लो, बीजा लाइन में मार्किंग करा लो, बीजा लाइन भाई एक बार ऑफिशियल टाइम आउट ले लो जी एक बार। और भाई सुपर टैकल ऑन राहुल नौलखा इस समय रेड पर, बिल्कुल तीन खिलाड़ी जो पलक झपकते ही कैच बनाने की को बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है और बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, प्रो कबड्डी के खिलाड़ी हैं। और स्कोर की बात करें भाई 16-13, और अब है थर्ड रेड नौलखा की तरफ से भाई, थर्ड रेड दर्शक साथियों, और सागर करता हुआ भाई, हाँ बिल्कुल भाई सागर अपनी चपलता से पॉइंट लेने में भाई दर्शक साथियों कामयाब रहा, एक और अंक मिला भाई नौलखा की टीम को थर्ड रेड, और अब साई की तरफ से थर्ड रेड, बिल्कुल आज भाई चमत्कार पे चमत्कार देखने को मिलेगा इस टूर्नामेंट में, जिन टीमों की तुट्टी बोलती है भाई। इससे पहले भी आपने लखावटी और नरवाल स्पोर्ट्स एकेडमी का मैच देखा था, और अब साई वर्सेस नौलखा के बीच में मैच, लेकिन भाई पॉइंट नवीन को टच किया भाई, नवीन भी प्रो कबड्डी का खिलाड़ी है, पटना के लिए प्रो कबड्डी खेल चुका है, फिर रेड पर सागर सुपर टैकल ऑन, और इस पॉइंट से मजबूती मान सकते हैं आप साई की टीम की, क्योंकि सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, ताली मारो भाई दर्शक साथियों, ये भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, जूनियर वर्ल्ड कप विजेता 5 नंबर जर्सी का खिलाड़ी रोहित गांव नांदल जिला रोहतक भाई। अब 4 के डिफेंस में 8 नंबर जर्सी का खिलाड़ी अयान उर्फ ढिल्लू, बहुत ही स्पीड का खिलाड़ी है भाई, बिल्कुल स्पीड से रेड करता है भाई, जूनियर स्तरीय गोल्ड मेडलिस्ट है, और भाई ये है इस खिलाड़ी की कला, बिल्कुल बेहतरीन टच और पॉइंट अर्जित किया साई की टीम के लिए, टाइम आउट लिया है नौलखा की टीम ने। और भाई स्कोर की बात करें 17-17 का स्कोर है दोनों टीमों का, वो जो पॉइंट था
तभी मैंने आपको बता दिया था कि साथियों खेल पलट चुका है, आखिरी 5 मिनट शेष, आखिरी 5 मिनट शेष, क्योंकि उस पॉइंट से फायदा यह हुआ था साई को कि 8 नंबर जर्सी का खिलाड़ी अंदर आ गया था। बहुत अच्छा मैच है भाई साथियों, हार जीत अलग चीज है। दोनों टीमों के स्कोर की बात करें, दोनों टीमों का स्कोर बराबर है भाई दर्शक साथियों, 17-17 का स्कोर है। नितिन इस समय रेड पर सुपर टैकल ऑन, ताली मारो भाई, कैच लगा दी है पॉइंट मिले नोलत्था को। नोलत्था के छोरे भी भाई बिल्कुल गजब का खेल दिखा रहे हैं आज। स्कोर की बात करें, नोलत्था 19 और साहिल 17 और साहिल 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 4 नंबर जर्सी का खिलाड़ी साहिल, और बिल्कुल कैच लगा दिया भाई दर्शक साथियों, पॉइंट मिला साई की टीम को। फिर स्कोर 18-19, 4 मिनट शेष, 1 पॉइंट से नोलत्था की टीम आगे है। रेड पर टीलू अयान उर्फ टीलू, बहुत ही स्पीड का रेडर है, बिल्कुल प्रयास टीलू, सामने 3 स्टॉपर और टीलू सुरक्षित अपने कोर्ट पर। और लीजिए भाई साथियों, बिल्कुल अंक अर्जित कर लिया है टीलू ने, बहुत अच्छा खिलाड़ी है भाई दर्शक साथियों। और भाई स्कोर की बात, बिल्कुल भाई हाई वोल्टेज मैच है, मैच की शुरुआत से पहले हमने आपको बताया था कि दोनों टीमें बराबरी की है दर्शक साथियों, हार जीत अलग है। नोलत्था पानीपत जिले का गांव है, हरियाणा का बहुत बड़ा खेल गांव है, एक गांव के सबसे ज्यादा खिलाड़ी नोलत्था गांव से प्रो कबड्डी में खेलते हैं। साई साई भी बड़ी अच्छी टीम है, बोनस टूरेड बोनस अंक अर्जित कर दिया नोलत्था की टीम ने, 20 पॉइंट अर्जित कर ली है नोलत्था, 19 साई, ये है टीलू, दोनों के बीच हुई फाइट और पॉइंट मिला हुआ है दर्शक साथियों साई की टीम को। फिर स्कोर 20-20 का स्कोर, दोनों कवर की जो जोड़ी है सचिन और रोहित, जूनियर वर्ल्ड कप में भारत के लिए जोड़ी ने गोल्ड जीतने का काम किया था जूनियर वर्ल्ड कप में, आज साई की तरफ से बिल्कुल। और यह भाई हितेश यूपी योद्धा के लिए प्रो कबड्डी खेलता है 12 नंबर जर्सी का खिलाड़ी, आपने टेलीविजन स्क्रीन पे इसको देखा होगा, आज बाबा ठाटेसर महाराज के मंदिर पे ये खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखा रहा है। आखिरी 2 मिनट शेष, 21-23 का स्कोर, सबके सब ये जो चेहरे हैं बहुत ही अच्छे हैं, कोई नेशनल कोई इंटरनेशनल। और लीजिए भाई साथियों, पुफनिया एक्सप्रेस को भी पकड़ी से उतार दिया है नोलत्था की टीम ने, और अब 22-23 का स्कोर, साहिल नोलत्था रेड पर, बड़ा अच्छा रेड रेवर, ताली मारो भाई दर्शक साथियों, फिर स्कोर बराबर 23-23 का स्कोर। यदि भाई दर्शकों मैच में आनंद आया तो ताली मारो एक बार दोनों टीमों के लिए, देखिए आपका अपना क्रम में ताली बजाना खिलाड़ियों का, हौसला बढ़ाना भाई, बहुत अच्छी टीम है हरियाणा प्रदेश की। गलती हो गई भाई साथियों, नोलत्था से पॉइंट मिला साई की टीम को, 24-23 का स्कोर भाई, और भाई 1 मिनट शेष, 24-23 का स्कोर, साहिल इस समय रेड पर और ताली मारता 24-24 है, बराबरी का स्कोर, दोनों टीमों का स्कोर है 24-24 है, 24-24 का स्कोर है भाई। और अब कोई भी टीम जोखिम उठाना नहीं चाहेगी, क्योंकि जोखिम बड़ी बुरी चीज है भाई, जे गलती हो गई तो बात नहीं बनेगी, बड़ी भारी दिक्कत हो जाएगी, लेकिन भाई बिल्कुल जोखिम उठा लिया है साई की तरफ से टीलू ने। और भाई आखिर अब रेड पर साहिल, टाइम आउट, 25 पॉइंट है साई और 24 पॉइंट है नोलत्था, और 20 सेकंड है शेष,
ताली मारो एक बार। 20 सेकंड सेंस नौलखा की तरफ से रेड आएगी। 24-25 का स्कोर। टाइम 20 सेकंड। पॉइंट की जरूरत है भाई नौलखा की टीम को और अपने सबसे मजबूत खिलाड़ी साहिल पर दाव खेल दिया है भाई। और लीजिए भाई कैच लगा दी है और अब इस मैच की संभावित ये आखिरी रेड है। और भाई साथियों नौलखा की टीम ने मान लिया है कि भाई समय का खेल हम हार चुके हैं। साई अपने अगले राउंड में पहुंच चुकी है। बहुत बहुत दोनों टीमों को भाई ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल कांटे का मुकाबला रहा और जो ऑफिशियल लगे हुए थे हमारे